हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पुणे दरभंगा ज्ञान गंगा एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है पुणे जंक्शन महाराष्ट्र से बिहार के दरभंगा जंक्शन के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है ज्ञान गंगा एक्सप्रेस। इस ट्रेन का पूरा नाम है पुणे दरभंगा ज्ञान गंगा एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 11033। ये पुणे जंक्शन से हर बुधवार को दरभंगा जंक्शन के लिए रवाना होती है और 38 घंटे 35 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 30 स्टेशन हैं और 1950 किलोमीटर के करीब जो है ये अपना डिस्टेंस कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 51 किलोमीटर पर आवर। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इसे सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। पुणे जंक्शन से ये सिर्फ बुधवार को चलती है, हफ्ते में एक दिन चलती है और 38 घंटे 35 मिनट बाद अपनी जर्नी जो है कवर। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो मैं जो अभी आपको आगे टिकट किराया बताऊंगा वो ज्ञान गंगा एक्सप्रेस का पुणे जंक्शन से दरभंगा जंक्शन तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। सेकंड एसी का जो किराया वो है 2780 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसलिए इसमें कोई सुपरफास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाता। थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1900 रुपये के करीब। इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा पुणे दरभंगा ज्ञान गंगा एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं, जिसका किराया जो है लगभग 700 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया है इसमें रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होता है, इसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा स्लीपर सेकेंड क्लास या जनरल डिब्बों का जो किराया वो है 400 रुपये के करीब। ये जो किराया है अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट रेफर करें। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पुणे दरभंगा ज्ञान गंगा एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं पुणे जंक्शन से दरभंगा जंक्शन तक। पुणे दरभंगा ज्ञान गंगा एक्सप्रेस जो है पुणे जंक्शन से हर बुधवार को शाम के 4:15 पर रवाना होती है एक नंबर प्लेटफॉर्म से, और इसके तकरीबन 30 स्टेशन हैं दरभंगा जंक्शन तक। जो दूसरा स्टेशन आता है वो है दाहोंद जंक्शन। यहाँ पर ये शाम के 5:30 पर पहुँचती है और 15 मिनट बाद 5:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है रिवर्स भी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अहमदनगर में पहुँचती है शाम के 7:02 पर और 7:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बेलापुर में पहुँचती है। बेलापुर में ट्रेन जो है रात के 8:09 पर पहुंचती है और 8:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है खोपर गांव में पहुंचती है रात के 8:44 पर और 8:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है और 270 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ज्ञान गंगा एक्सप्रेस जो है वो मनमाड़ जंक्शन महाराष्ट्र में रात के 9:50 पर पहुंचती है और 9:55 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भूसावल जंक्शन में पहुंचती है। भूसावल जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 12:20 पर पहुंचती है और 12:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये खांडवा जंक्शन में पहुंचती है रात के 2:30 पर और 2:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है और 621 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। इटारसी जंक्शन में ये सुबह 4:55 पे पहुंचती है और 5:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। पिपरिया में ये ट्रेन जो है सुबह 6:08 पे पहुंचती है और 6:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। नरसिंहपुर में ये ट्रेन जो है सुबह 7:10 पे पहुंचती है और 7:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जंक्शन में पहुंचती है। जबलपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 8:30 पे पहुंचती है और 8:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है उसके बाद ये ट्रेन जो है कटनी जंक्शन में सुबह 10:15 पे पहुंचती है और 10:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और यहां पर इसका इंजन भी चेंज होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन सतना जंक्शन में सुबह 11:45 पे पहुंचती है और 11:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। इलाहाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन जो है शाम के 4 बजे पहुंचती है और 4:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका इंजन जो है रिवर्स भी होता है। यहां पर ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद पुणे दरभंगा ज्ञान गंगा एक्सप्रेस जो है इलाहाबाद सिटी में पहुंचती है। इलाहाबाद सिटी में ये ट्रेन जो है शाम के 4 बज के
28 मिनट पे पहुंचती है और 4:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन ज्ञानपुर रोड में पहुंचती है। ज्ञानपुर रोड में ये ट्रेन जो है शाम के 5:41 पे पहुंचती है और 5:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन मंडुआ डी वाराणसी में शाम के 7:20 पे पहुंचती है और 7:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ज्ञान गंगा एक्सप्रेस जो है वो वाराणसी जंक्शन में शाम के 7:45 पे पहुंचती है और 8 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पुणे दरभंगा ज्ञान गंगा एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन वाराणसी सिटी में पहुंचती है रात के 8:05 पे और 8:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है औड़ीहार जंक्शन में पहुंचती है रात के 8:45 पे और 8:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। गाजीपुर सिटी में ये ट्रेन जो है रात के 9:50 पे पहुंचती है और 9:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बलिया में पहुंचती है। बलिया में ट्रेन जो है रात के 11:20 पे पहुंचती है और 11:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बिहार में एंटर करती है। बिहार का जो पहला स्टेशन है वो है छपरा जंक्शन। यहां पर ये रात के 1 बजे पहुंचती है और 1:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सोनपुर जंक्शन में पहुंचती है। सोनपुर जंक्शन में ज्ञान गंगा एक्सप्रेस जो है रात के 2:10 पे पहुंचती है और 2:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हाजीपुर जंक्शन में रात के 2:25 पे पहुंचती है और 2:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पुणे दरभंगा ज्ञान गंगा एक्सप्रेस जो है वो मुजफ्फरपुर जंक्शन में रात के 3:35 पे पहुंचती है और 3:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। समस्तीपुर जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 5:15 पे पहुंचती है और 5:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है रिवर्स भी होती है। उसके बाद ज्ञान गंगा एक्सप्रेस जो है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन लहरिया सराय में सुबह 6:20 पे पहुंचती है और 6:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद पुणे दरभंगा ज्ञान गंगा एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन दरभंगा जंक्शन बिहार में सुबह 6:50 पे पहुंचती है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 1950 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं।